दोस्तों आपका स्वागत है पूरा एजुकेटर द वे टू द सक्सेस में। आज हम एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस जो कि सिविक्स का पार्ट है, अगर आप पॉलिटी पढ़ेंगे अपने कंपटीशन में तो ये हमारा क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट है। इसमें हम बात करेंगे पावर शेयरिंग की, और ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसमें हम डायरेक्टली क्लास 10 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपका काफी डिमांड था, ये आपको काफी टफ लग रहा था, इसीलिए मैंने 6 से स्टार्ट नहीं किया। ये क्लास 10 कंप्लीट करने के बाद हम फिर 6 से शुरू करेंगे, क्योंकि एग्जाम पास में है इसलिए मैं क्लास 10 पहले करवा दे रहा हूं। तो चलिए देखते हैं हमारे और इस बुक में क्या क्या टॉपिक्स हैं जो कि हमको पढ़ने हैं, क्योंकि ये बोर्ड का बुक है इसलिए हमको काफी ध्यान से पढ़ना है और हमको एक स्ट्रेटेजी बना के चलनी है। इस बुक में आप देखेंगे कि 8 चैप्टर्स हैं, इसमें हम सीक्वेंस में चलेंगे, 1 to 8 चैप्टर को पढ़ेंगे सीक्वेंस में, जिसमें पावर शेयरिंग आज हम करने जा रहे हैं, फेडरलिज्म हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी पढ़ेंगे, जेंडर रिलीजन और कास्ट पढ़ेंगे, फिर पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स पढ़ेंगे, फिर हम पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ेंगे, फिर डेमोक्रेसी की आउटकम्स और चैलेंजेस को हम डिस्कस करेंगे। तो ये सब हम ये जब हम क्लास 10 के एक एक चैप्टर को पढ़ते जाएंगे तो ये टॉपिक्स हमको एक एक करके क्लियर होते जाएंगे। तो आज हम समझते हैं पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग जो शब्द है इसमें दो वर्ड है, एक है पावर। तो पावर से आप क्या समझते हैं? पावर से हमको ये समझ में आता है कि अगर हमको पावर मिल जाए तो हम किसी चीज को कंट्रोल कर पाएंगे। तो हम किस चीज को कंट्रोल कर पाएंगे? अगर आप घर पे हैं तो आप अपने घर को कंट्रोल कर सकते हैं, अगर आपको घर में पावर हो। अगर आप ऑफिस में हो तो आप ऑफिस को कंट्रोल कर सकते हैं, अगर आप ऑफिस को कंट्रोल करने की पावर हो आपके पास। और अगर आप गवर्नमेंट में कोई पोजीशन होल्ड करते हैं तो आप गवर्नमेंट को होल्ड कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और अल्टीमेटली आप कंट्रोल करके आप किसको सर्व करेंगे? आप अपने फैमिली मेंबर्स को बेनिफिट पहुंचाएंगे घर में अगर आप होंगे, अगर आप ऑफिस में होंगे तो आपके क्लाइंट्स इससे बेनिफिटेड होंगे, और अगर आप गवर्नमेंट में होंगे तो आप पीपल को बेनिफिट पहुंचाएंगे। तो अल्टीमेटली हमको किसको बेनिफिट पहुंचाना है? हमको पीपल को बेनिफिट पहुंचाना है, खुद को बेनिफिट पहुंचाना है, ठीक है। अगर हम पावर का सही से इस्तेमाल करेंगे तो बेनिफिट हमको मिलेगा अल्टीमेटली। तो हमको पावर को क्या करना है? अच्छे से इस्तेमाल करना है। तो अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए हमको क्या करना होगा? अपने पावर को शेयर करना होगा। तो हम शेयर आखिर कैसे कर सकते हैं? अगर हम गवर्नमेंट में हैं तो हम पावर को डिवाइड कर सकते हैं। तो हम किस में डिवाइड कर सकते हैं? लेजिस्लेचर में डिवाइड कर सकते हैं। लेजिस्लेचर अगर आप समझे एक शब्द में, तो लेजिस्लेचर कौन होते हैं? जो लॉ को बनाते हैं, ठीक है, जो लॉ को लिखते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट को हम और तोड़ सकते हैं दूसरे पार्ट में, वो है एग्जीक्यूटिव। जो ये लॉ बनाए जाएंगे उसको कौन रन कराएगा? वो एग्जीक्यूटिव रन कराएंगे, ठीक है। लॉज को रन कौन कराएगा? एग्जीक्यूटिव रन कराएगा। और थर्ड पार्ट है जुडिशरी, ठीक है। तो जुडिशरी क्या करेगा? ये जो लॉज लिखे गए हैं एग्जीक्यूटिव द्वारा, इसको ये इंटरप्रेट करेंगे। इंटरप्रेट करेंगे मतलब बताएंगे कि ये लॉ क्या कह रहा है, और ये लॉ को समझ के फिर एग्जीक्यूटिव उसको रन कराएंगे, ठीक है। तो ये देखिए सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और पावर को शेयर करने से फायदा ये होता है कि हम डेमोक्रेसी को अच्छे से रन करा सकते हैं। डेमोक्रेसी में क्या हो गया? आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं। अगर आप इंडिया की बात कर रहे हैं तो आप अगर 18 इयर्स के हैं तो आपको वोट करने की पावर है, और आप क्या करेंगे? अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं। ये आपकी पावर है, ये डेमोक्रेसी है कि लोग चुनते हैं किसी अपने रिप्रेजेंटेटिव को, किसके लिए? खुद के लिए, ठीक है। तो ये हो गई पावर शेयरिंग की बात। और पावर शेयरिंग की जनरली अगर हम बात करें आपके स्कूल के रिस्पेक्ट में, तो ये आप कहां पे देखते हैं? आप हर जगह देखते होंगे पावर शेयरिंग, लेकिन आप समझ नहीं पाते होंगे।
जैसे आप अपने क्लास में मॉनिटर बनाए जाते हैं। तो मॉनिटर बनने से आपको क्या कहा जाता है कि आप दूसरे बच्चों को आप कंट्रोल करिएगा, दिखिएगा कि वो हल्ला ना मचाए, और साथ ही साथ आप मॉनिटर बनते हैं और किसी दूसरे बच्चे को कहा जाता है कि कॉपी को कलेक्ट करो, हल्ला बिना किए हुए आप कॉपी को कलेक्ट कर लीजिए। तो यहां पे क्या हो रहा है, आपको आपकी पावर को शेयर कर दी गई है, ठीक है। वहीं पे अगर आपको आप देख रहे हैं यहाँ पे जो मैम की पूरी पावर थी वो आप दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, नहीं तो वो पावर का इस्तेमाल कौन करता, आपकी मैम करती, ठीक है। वो पावर को इस्तेमाल करने में उनको बहुत टाइम लगता, इसलिए उन्होंने अपने पावर को दो बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे आपने जनरल आइडिया ले लिया पावर शेयरिंग का, अब हम इसको डिटेल में समझते हैं। दो कंट्री से हम केस स्टडी करेंगे, दो कंट्रीज का, यहाँ पे बेल्जियम का केस लेंगे और श्रीलंका का केस लेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि पावर शेयरिंग कैसे हो रही है, पावर शेयरिंग नहीं हो रही है तो क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, इसको हम अब समझते हैं। तो चलिए पहले हम बेल्जियम को देखते हैं। अगर हम बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम कहां पे लाई करता है, बेल्जियम आपको वर्ल्ड में अगर देखें आप तो ये यूरोप में दिखेगा आपको, और यूरोप में एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगी इसकी, ये वेस्टर्न पार्ट में होगा, ठीक है। और ये किन किन कंट्रियों से बाउंड्री बनाता है, ये नीदरलैंड से बाउंड्री बनाता है, फ्रांस से बनाता है, जर्मनी से बनाता है, और ये अटलांटिक ओशन को छूता है, ठीक है। एक पार्ट में इसके अटलांटिक ओशन भी है, और अगर आप डिटेल में इसको देखना चाहते हैं तो आप एटलस को रेफर कर सकते हैं, और इसको ज्योग्राफिकली हम ज्योग्राफी में डिस्कस करेंगे, वहां के लेक के बारे में, वहां के लैंड के बारे में, ये सब हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी में। यहाँ पे हम पॉलिटिकल इश्यूज को डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में, तो हम यहाँ पे अब पहले समझ लेते हैं कि यहाँ का रीजन क्या था और यहाँ पे कौन कौन से लोग रहते हैं और आखिर क्या यहाँ की प्रॉब्लम थी। तो अगर आप बेल्जियम को देखने की बात करें तो बेल्जियम ऐसा देखता है, देखिए, और नॉर्दर्न पार्ट है यहाँ पे बेल्जियम का, उसको हम कहते हैं नॉर्थ पार्ट को हम कहते हैं फ्लेमिश रीजन, ठीक है, ये फ्लेमिश रीजन कहलाता है, और जो सदर्न का डार्क पार्ट है इसको हम कहते हैं वलोनिया, वलोनिया का रीजन है ये, ठीक है। तो यहां पे फ्लेमिश में आपको डच लोग दिखते हैं ज्यादा, डच स्पीकिंग पीपल है ज्यादा यहां पे, ठीक है, और वलोनिया में आपको फ्रेंच दिखेंगे, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल यहां पे आपको मिलेंगे, ठीक है। तो अब आप कहेंगे प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, डच स्पीकिंग पीपल अगर आप बेल्जियम की बात करेंगे तो यहां पे 59% है, ठीक है, और फ्रेंच की अगर आप बात करेंगे तो ये 40% है, और जो 1% रिमेनिंग है ये जर्मन स्पीकिंग पीपल है, ये जर्मन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं किस तरीके से एथनिक ग्रुप यहां पे डिवाइडेड है। अब एथनिक शब्द से आप क्या समझते हैं, एथनिक शब्द से आप ये समझते हैं कि अगर कोई आदमी वहां का नेटिव है, किसी रीजन का नेटिव है, हम उसको एथनिक कहेंगे, वो पर्टिकुलर कोई कल्चर को फॉलो करता होगा, वो कोई पर्टिकुलर थिंकिंग को फॉलो करता होगा, तो ऐसे लोगों को हम एथनिक ग्रुप कहते हैं, ठीक है, जो मेजॉरिटी वहां का कल्चर फॉलो करे, ठीक है, उस रीजन का एक पर्टिकुलर कल्चर होगा ना तो वो फॉलो करे। तो यहाँ पे नॉर्दर्न रीजन में डच स्पीकिंग थे, सदर्न में फ्रेंच स्पीकिंग थे, और जनरल डिस्ट्रीब्यूशन जर्मन का था 1% का, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे यहाँ के कैपिटल की बात करें, ठीक है, जो कि क्या था, ब्रुसेल्स था, ठीक है, ब्रुसेल्स कैपिटल है ना बेल्जियम का, अगर आप नहीं जानते हैं आप एटलस को प्लीज रेफर कर लीजिए, ठीक है, तो आपको ये दिखेगा कि ब्रुसेल्स बेल्जियम का कैपिटल है, यहां पे ठीक ऑपोजिट था, अभी तक आप देख रहे थे कि डच मेजॉरिटी में थे और फ्रेंच स्पीकिंग माइनॉरिटी में थे, लेकिन बेल्जियम में क्या है, 80% आपको कौन दिखेगा,
फ्रेंच दिखेगा, ठीक है, मैं एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और 20% आपको कौर वहां पे है डच स्पीकिंग है, ठीक है, 80% फ्रेंच स्पीकिंग है और 20% डच स्पीकिंग है। ठीक ऑपोजिट कंडीशन है पूरे कंट्री से कैपिटल की, तो नेचुरल सी बात है यहां पे कॉन्फ्लिक्ट होना ही है, यहां पे मेजॉरिटी की लड़ाई होगी, ठीक है, तो यहां पे झगड़ा शुरू हो जाता है। और वो अगर आप टाइम बात करें तो वो कौन सा टाइम था झगड़े का इन दोनों एथनिक ग्रुप्स में, तो ये करीब 1950-60 की बात है जब ये झगड़ा शुरू हुआ। तो झगड़ा शुरू होने का कारण क्या था, कारण भी नेचुरल था, होना जरूरी था, क्योंकि शांति कहां अच्छी लगती है किसी को, है कि नहीं, तो झगड़े होते रहते हैं और हम उसका सोल्यूशन भी खोजते रहते हैं। ये 1950 और 60 के बीच में टेंशन क्रिएट हुआ दोनों एथनिक ग्रुप के बीच में। कारण यह था कि जो माइनॉरिटी थे फ्रेंच स्पीकिंग, वो काफी रिच थे, ठीक है, बहुत पैसे वाले थे और ये बहुत पढ़े लिखे भी थे, ये साथ ही साथ एजुकेटेड भी थे, तो इसके कारण ये ज्यादा डेवलप करते चले जा रहे थे। ज्यादा पढ़े लिखे होने के कारण ये बहुत ज्यादा डेवलप कर रहे थे और डच कम डेवलप कर पा रहे थे, ये मेजर प्रॉब्लम थी। हम इसका और देखेंगे इसके सर्कमस्टेंसेस क्या हुए अभी आने वाले स्लाइड में, उससे पहले हम थोड़ा अब श्रीलंका को समझ लेते हैं, तब हम दोनों को कंपेयर करेंगे एक्चुअल प्रॉब्लम कैसी थी। अब अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका कहां पे लाई करता है, श्रीलंका अगर आप इंडिया के रिस्पेक्ट में देखें तो ये इंडिया से थोड़ा सा साउथ रीजन में है, ठीक है, ये श्रीलंका का पार्ट है, एसएल से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं श्रीलंका को, ठीक है। और अब यहां पे देखिए, आपको यहां पे बुक में दे भी रखा है, ये अगर आप इसके नॉर्दर्न पार्ट की बात करें तो यहां पे तमिल्स रहते हैं जो तमिल बोलते हैं, ठीक है, तमिल यहां पे 80% थे, ठीक है, तमिल स्पीकिंग पीपल, और सिंघाला यहां पे मेजॉरिटी में थे, ठीक है, सिंघाला स्पीकिंग पीपल यहां पे मेजॉरिटी में थे, ये 74% थे। तो आप ये देख लीजिए बेल्जियम में कुछ ही डिफरेंस था 59-40 का, यहां पे बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है, तो यहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट होगा, नेचुरल सी बात है। तो यहां पे तमिल अगर आप देखें तो दो टाइप के तमिल थे, श्रीलंका के जो वहां के नेटिव थे, जो वहीं पे पले बढ़े, उनको हम श्रीलंका तमिल्स कहेंगे, श्रीलंकन तमिल कहेंगे, ठीक है, और जो बाहर से गए, जो इंडिया से गए, उनको हम इंडियन तमिल्स कहेंगे। अब आखिर ये पहुंच कैसे गए इंडिया से यहां पे, तो कारण ये था कि जब ब्रिटिशर्स थे श्रीलंका में और इंडिया में, ये इंडियंस को लेबरर के तौर पे ले जाया करते थे फार्मिंग के लिए वहां पे, तो वो वहां पे रह गए, बस गए वहां पे, वो क्या हो गया, उनके पूर्वज रहने लगे, वो फिर उनके बच्चे हुए, ऐसे करते करते वो वहीं पे बस गए। तो ये दो ग्रुप में बट गए, एक तो वहां के नेटिव तमिल्स और दूसरे इंडियन तमिल्स, ठीक है। और यहां पे ये टोटल कितने थे, ये 18% थे, और सिंघाला जो कि यहाँ पे मेन थे वो 74% थे, और ये श्रीलंका के जो तमिल थे ये यहाँ पे 13% थे, ठीक है, और 5% इंडियन तमिल है, ठीक है, ये कंडीशन को आप समझ लीजिए तो आपको ये प्रॉब्लम और अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये मेजर कंडीशन थी। अब हम इनके रिलीजन की भी बात कर लेते हैं, ये जो तमिल थे ये ज्यादातर या तो मुस्लिम थे या तो ये हिंदू थे, ठीक है, और जो सिंघाला थे ये मेनली क्या थे,
ये या तो बुद्धिस्ट थे, ठीक है, बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, ठीक है, ये बुद्धिज्म को फॉलो करते थे मेनली। और जो 7% रिमेनिंग है, अब देखिए 100% नहीं आ रहा है, 18% प्लस 74%, 7% अभी भी बच गया है, 7% क्रिश्चियंस थे, ठीक है, ये क्रिश्चियंस थे। और ये जो क्रिश्चियंस थे ये कौन थे, ये आपके तमिल भी थे, ठीक है, और ये सिंगाला स्पीकिंग भी पीपल थे, ठीक है, दोनों थे ये। तो अब आखिर प्रॉब्लम कहां से हुई, अब यहां पे बात आएगी मेजोरिटेरियनिज्म की, ठीक है, मेजोरिटेरियन सिस्टम की, मेजॉरिटी सिस्टम की। अब यहां पे ये क्या है कंडीशन, तो ये टर्म काफी हैवी लग रहा है, लेकिन इतना हैवी है नहीं अगर आप इसको समझ ले तो। ये जो वर्ड है इसका मतलब है कि जो यहां पे सिंघाला थे ये मेजॉरिटी में आ गए काफी ज्यादा, और ये जब श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ 1948 में, तो इन्होंने श्रीलंका पे रूल करना शुरू किया, ठीक है, सिंघाला ने मेजॉरिटी में होने के कारण क्या किया, श्रीलंका पे रूल करना शुरू किया, श्रीलंका में यहां पे रूल करने लगे जब श्रीलंका इंडिपेंडेंट हो गया। और जो तमिल्स थे, ठीक है, ये कब इंडिपेंडेंट हुए, श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ था 1948 में, और सिंघाला ने 1956 में एक्ट पास किया, ठीक है, जिससे इन्होंने सिंघाला को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज इन्होंने घोषित कर दिया। इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, क्योंकि जैसे ही इन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया, जो भी डॉक्यूमेंट थे वो ऑफिशियली आने लगे गवर्नमेंट के, तमिल में नहीं आते थे, तो तमिल्स को काफी प्रॉब्लम होने लगी समझने में, उतने अच्छे से वो समझ नहीं पाते थे। और दूसरा क्या किया इन्होंने, इन्होंने क्योंकि ये बुद्धिस्ट थे, इन्होंने बुद्धिज्म को सपोर्ट करने के लिए भी लॉ बनाया, ठीक है, इससे ये बुद्धिज्म को बढ़ावा देने लगे और इनको जॉब भी इनको प्रेफर करने लगे, जॉब में सिंघाला को ये लेने लगे। इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई और ये बहुत ज्यादा दिक्कत आने लगी। तो यहां पे आप क्या समझ रहे हैं, मेजोरिटेरियनिज्म में आप ये समझ रहे हैं कि जो मेजॉरिटी में है, ठीक है, वो क्या करेगा, अपना पावर इस्तेमाल करके, ठीक है, पावर इस्तेमाल करके वो किसको दबाएगा, प्रेस करेगा माइनॉरिटी को, ठीक है, ये इस टर्म का मतलब है, ठीक है। और यहां पे क्या हुआ, ये जैसे ही ये प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक है, यहां पे मेजॉरिटी का ज्यादा पावर हो गया, ज्यादा ये लोग अपना मनमानी करने लगे, तो फिर सिविल वॉर हुआ। अब सिविल वॉर का मतलब क्या है कि जब दो एथनिक ग्रुप्स लड़ जाएं और ऐसा लगने लगे कि कुछ वॉर का सिचुएशन क्रिएट हो गया है। इसमें जो सिविल वॉर हुआ श्रीलंका में, इसमें हजारों लोग मर गए दोनों ग्रुप से, ठीक है। तो ये करीब 1980 में शुरू हुआ, डिमांड शुरू हुआ कि हमको भी कुछ पावर मिलनी चाहिए, इन्होंने डिमांड करना शुरू किया। इन्होंने सबसे पहले कहा कि तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, पहला। दूसरा इन्होंने कहा कि तमिल इलम अलग से बनाए। अब तमिल इलम क्या है,
तमिल इलम मतलब हुआ तमिल एक स्टेट बनाया जाए अलग से जो कि नॉर्दर्न पार्ट हो। जैसा कि आप देख रहे थे नॉर्दर्न पार्ट में ज्यादा कौन थे, तमिल्स थे, ठीक है। इसीलिए इन्होंने कहा कि नॉर्दर्न पार्ट को तमिल ईलम घोषित करो, ठीक है। और इसमें ये लोग नहीं माने सिंघाला और काफी ज्यादा झगड़ा हुआ और काफी लोग मरे, ठीक है। तो इस तरीके से काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई। और अब हम देखेंगे कि बेल्जियम में क्या हुआ। अगर बेल्जियम में इस तरीके से होता तो कितने ज्यादा टुकड़े करने पड़ते बेल्जियम के, ये आप समझ सकते हैं। यहां पे एक आपको डिमांड कर रहा है तमिल एलम की, ऐसे ही अगर इंडिया में हो तो कितने पार्ट में डिवाइड हो जाए इंडिया, और यूनाइटेड स्टेट्स में हो तो कितने पार्ट में हो जाए। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये फिजिबल नहीं था, ये सही नहीं था, ठीक है। तो हम इसका सॉल्यूशन खोजेंगे बेल्जियम के द्वारा। अब बेल्जियम में जो प्रॉब्लम थी, यहां पे आप देख रहे थे श्रीलंका में कि झगड़ा हुआ, लोग डिमांड करने लगे, सिविल वॉर हुआ, और वहीं पे उसके ऑपोजिट में बेल्जियम कंट्री थी जिसने काफी समझदारी का काम किया। बेल्जियम ने क्या किया, बेल्जियम ने कहा कि हमारी जो कंट्री है, जब इनके यहां 1950-60 में जब टेंशन होने लगा तो इन्होंने 1993 में इन्होंने कुछ रूल्स बनाए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किया, रूल बनाया कि इसमें हम जो पावर है दोनों एथनिक ग्रुप्स में बराबर से बांटेंगे। तो ये कैसे बांटेंगे, इसके लिए इन्होंने चार बार कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी किए, ठीक है। ये मतलब हर तरीके से चाहते थे कि ऐसा कुछ बने जिससे दोनों एथनिक ग्रुप्स को बराबर से फायदा हो। तो देखते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले ये कहा गया कि हम जो मिनिस्टर्स रखेंगे सेंटर पे, सेंटर पे जो मिनिस्टर होंगे, ठीक है, सेंटर गवर्नमेंट में जो भी मिनिस्टर होंगे ये बराबर होंगे। जो मिनिस्टर होंगे दोनों में, सेंटर गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स होते हैं वो दोनों होंगे, डच स्पीकिंग भी होंगे और फ्रेंच स्पीकिंग होंगे, लेकिन दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। देखिए कितना अच्छा इन्होंने एग्जाम्पल खड़ा किया है श्रीलंका के लिए, श्रीलंका इसी के लिए झगड़ा कर रहा था और इन्होंने यहां पे अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया पावर को शेयर करके, ठीक है। और यहां पे इन्होंने क्या किया कि यहां पे इन्होंने स्टेट को, ठीक है, सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट होता है तो इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को सबॉर्डिनेट नहीं बनाया, इन्होंने कुछ पावर्स को शेयर कर लिया, ठीक है, सेंटर गवर्नमेंट से इन्होंने शेयर कर लिया, पावर शेयरिंग कर ली, इससे और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने एक कंडीशन और भी कह दी कि ब्रुसेल्स में, क्योंकि आप देख रहे थे ब्रुसेल्स में क्या था, फ्रेंच हायर पोजीशन पे थे, ज्यादा थे, लेकिन यहां पे भी इन्होंने कहा कि सिर्फ सेंटर पे ही नहीं बल्कि कैपिटल में भी डच और फ्रेंच बराबर रहेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा इन्होंने कंडीशंस रखा। और इससे क्या होगा, अब आप देखेंगे कि यहां पे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। और चौथा क्या था, साथ ही साथ ये तीन कंडीशन तो थे ही, और साथ ही साथ चौथा कम्युनिटी गवर्नमेंट भी थी, ठीक है, और इनको भी बराबर से इज्जत दी जाती थी, ठीक है। जो कम्युनिटी, जो कम्युनिटी
गवर्नमेंट थी, ये कम्युनिटी गवर्नमेंट में आप ये पूछ सकते हैं कि कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या है, तो यहां पे या तो ये डच स्पीकिंग थे, ठीक है, डच स्पीकिंग कम्युनिटी जहां पे पावर पे हो, या फ्रेंच स्पीकिंग पावर में हो, या जर्मन स्पीकिंग पावर में हो, कोई भी एक लैंग्वेज का जो भी हायर यहां पे होगा कम्युनिटी, वो यहां पे इलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। यहां पे ऐसे कई जगह पे आपको दिखते हैं, बेल्जियम में ऐसा कई जगह पे दिखता था कि यहां पे कम्युनिटी गवर्नमेंट भी हुआ करते थे, ठीक है। तो यहां पे आपने देखा कि जो ये चार सिस्टम इन्होंने बनाए, इससे इनकी प्रॉब्लम काफी सॉल्व हुई, ठीक है। और प्रॉस्पर्स रहा, यहां पे झगड़ा नहीं होता था बिल्कुल, यहां पे जो प्रॉब्लम्स थे सारे रिजॉल्व कर लिए गए थे, और बेल्जियम बहुत ही खुशहाल था। जबकि श्रीलंका की अगर आप बात करेंगे तो श्रीलंका बहुत ही इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग था, लेकिन ये झगड़े के कारण ये काफी वीक हो गया था, ठीक है। तो यहां पे जो आप देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या ब्रसेल्स में जो गवर्नमेंट थी, वो एकदम बराबर से कर रहे थे, या कम्युनिटी गवर्नमेंट है जो सिंगल लैंग्वेज पीपल थे वो भी अगर रूल कर रहे थे, तो वो अपने कल्चर का और एजुकेशन का, लैंग्वेज रिलेटेड जो इश्यूज होते थे वो खुद ही रिजॉल्व कर लिया करते थे। तो ये काफी अच्छा बेल्जियम में माहौल था। बेल्जियम के इतने अच्छे एग्जाम्पल खड़ा करने से आप ये समझ सकते हैं कि बाद में जाके जब यूरोपियन कंट्रीज एक साथ जुड़ी और यूरोपियन यूनियन का जब गठन हुआ, जब बनाया गया यूरोपियन यूनियन, तो उसका हेडक्वार्टर आप बड़े आसानी से कह सकते हैं कि क्या कहां बनाया गया, हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स को चुना गया, ठीक है। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि ब्रुसेल्स में यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है, ठीक है। ये स्टैटिक जीके का भी पार्ट है, ये आपसे कभी भी पूछा जा सकता है, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स का है। और ब्रुसेल्स का क्यों है, इसका रीजन भी मैंने बताया कि इतना बड़ा एथनिक इशू था यहाँ पे, लेकिन उसको रिजॉल्व कर लिया गया बहुत ही अच्छे से, दिमाग लगाकर, पावर शेयरिंग करके। और श्रीलंका में वहां पे हम लोग कर सकते थे, लेकिन पावर शेयरिंग नहीं की गई, उससे बहुत बड़ा सिविल वॉर हुआ, ये चीज आपने अभी देखा। अब हम बात करेंगे कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, ठीक है, ये हम शेयर क्यों करते हैं, शेयरिंग क्यों जरूरी है। तो पहला रीजन दे रहा है यहां पे कि क्योंकि ये क्या करता है, ये रिड्यूस करता है प्रॉब्लम्स को, किसको, कब कर रहा है ये, प्रॉब्लम को रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। और हम यहां पे क्या कह रहे हैं कि जब ये प्रॉब्लम को रिड्यूस कर रहा है पावर शेयरिंग से, यहां पे हम देख पा रहे हैं कि हमको सीधे सीधे हमको प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है, प्रॉफिट हमको दिख रहा है, और ये ना हो तो हमको पता लग जा रहा है कि इससे लॉस क्या है, ठीक है। और दूसरा कंडीशन ये कह रहा है कि अगर हम पावर शेयरिंग करते हैं तो हम डेमोक्रेसी को मेंटेन रख सकते हैं, डेमोक्रेसी को क्या कर सकते हैं, मेंटेन रख सकते हैं, ठीक है, ये हमको कह रहा है। यहां पे हमको आउटपुट पता लग रहा है, ठीक है, आउटपुट हमको यहां पे हमको पता लग रहा है, रिजल्ट हमको पता लग रहा है। यहां पे हमको सेकंड केस में रिजल्ट पता नहीं लग रहा है, हम किस लिए इसको मेंटेन कर रहे हैं, इसके वैल्यू को मेंटेन करने के लिए कर रहे हैं, ऐसा डेमोक्रेसी की वैल्यू मेंटेन रहे इसलिए हम पावर शेयरिंग कर रहे हैं। तो जो पहला है यहां पे, जो पहला रीजन दे रहा है, इसको हम कहते हैं प्रूडेंशियल, ठीक है, यही कहलाता है प्रूडेंशियल थॉट, ठीक है,
प्रूडेंशियल रीजन है ये, और ये मोरल थॉट है, ये मोरल थॉट है, ठीक है, ये मोरल रीजन है, ये प्रूडेंशियल रीजन है, ठीक है। ये आपके एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है कि प्रूडेंशियल क्या चीज है और मोरल क्या चीज है। तो ये आप यहाँ पे क्लियरली समझ चुके हैं कि आप किसको मोरल कहेंगे और किसको आप प्रूडेंशियल कहेंगे। प्रूडेंशियल मतलब हो गया कि आपको पावर, जो लॉस और प्रॉफिट है ये आपको पता रहे, अगर हम ये प्रॉब्लम को रिड्यूस करेंगे तो हमको क्या प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन सेकंड केस में क्या है, मोरल के में क्या है, आप वैल्यू को ज्यादा, जो हमारे बेस है उसको आप ज्यादा वैल्यू देंगे। आपका क्या है, डेमोक्रेसी को हम ज्यादा यहाँ पे वैल्यू दे रहे हैं, पावर शेयरिंग हम इसीलिए करा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे ये डिफरेंस भी समझ लिया। यहाँ पे जो ये एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहे हैं, ये केस दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ये आपके एग्जाम में बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। विक्रम वेताल की स्टोरी दे रहा है सिंपली, ये आप इसको नहीं भी पढ़े तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन मैं कहूंगा कि एक बार इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, इससे आपको केस स्टडी समझने में आसानी होगी। अगर आपके एग्जाम में और कोई केस स्टडी आ जाती है श्रीलंका या ब्रुसेल्स के अलावा भी, तो आप आसानी से कर पाएंगे। आप जितना ज्यादा केस स्टडी करिए, आप अपने आसपास के भी केस स्टडी देखिए, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग की। यहाँ पे टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग में अगर हम बात करें तो चार टाइप की पावर शेयरिंग होती है, हम उन सबको काफी डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये जरूर पूछा जाएगा। जो पहला टाइप है ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का मतलब आप क्या कह रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग, इसका मतलब हो गया कि सबको बराबर से पावर देना। तो ये आप कैसे देख सकते हैं, इसका हमको एग्जाम्पल लेना होगा। एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट है, मान लीजिए गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन में हमने उसको डिवाइड कर लिया है, गवर्नमेंट को लेजिस्लेचर, अभी हमने बात की लेजिस्लेचर की, एग्जीक्यूटिव की हमने अभी बात किया, और जुडिशरी की। ये तीनों ही एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, लेकिन ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट भी हैं। इनकी पावर्स बिल्कुल भी अलग है, डिफरेंट है। ये लॉ बनाता है, ये इसको रन कराता है, लॉ को रन कराएगा एग्जीक्यूटिव, और जुडिशरी इसको इंटरप्रेट करेगा, बताएगा कि लॉ क्या है। और इसीलिए क्या होता है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, चेक करते रहते हैं, चेक्स एंड बैलेंस रहता है इनके ऊपर, एक दूसरे को समय समय पर ये चेक भी किया करते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस, ठीक है। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, पावर इज शेयर अमंग द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। यहां पे हम गवर्नमेंट के ऑर्गन्स को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, पावर को हम ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये हो गया पहला टाइप, ठीक है, क्योंकि ये बराबर से है इसीलिए हम इसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग भी कह रहे हैं। दूसरा है फ्रेंड्स, जब हम वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन करें, अभी हमने हॉरिजॉन्टल समझ लिया, अब हॉरिजॉन्टल की जगह पे अगर हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखें, तो वर्टिकल में आप देखेंगे कि एक जगह पे ज्यादा होगा पावर, दूसरी जगह कम होगा, तो ये एक पिरामिड की तरह काम करेगा, ठीक है, पिरामिड की तरह काम करेगा। यहां पर टॉप का आदमी होगा, यहां बॉटम का आदमी होगा, ठीक है। ये आप समझ सकते हैं यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, यहां पे स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के नीचे पंचायती राज है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ये सब है, ठीक है। तो ये हायरार्की बन रही है, नीचे से ऊपर की तरफ पावर ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है।
तो गवर्नमेंट का क्या कर रहा है, गवर्नमेंट अपने पावर को डिफरेंट लेवल्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ये डिफरेंट लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है, ये आप यहां पे समझ गए। वहां पे हम बराबर कर रहे थे, हॉरिजॉन्टल कर रहे थे पहले वाले में, और दूसरे वाले में हम क्या कर रहे हैं, हमने नीचे से ऊपर किया है, ठीक है, पावर नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, पावर यहां पे इंक्रीज करता जा रहा है, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ, और जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो ये डिक्रीज करेगा, पावर शेयरिंग क्या होगी, ये इसमें पावर डिक्रीज करने लगेगा, ठीक है, पावर शेयरिंग में। तो यहां पे आप ये देख रहे हैं, और कहीं कहीं पे सेंट्रल और स्टेट की पावर वेरी करेगी, वो हम कभी दूसरे लेक्चर में उसको हम डिस्कस करेंगे। अभी जो हमने पढ़ा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग, उसको हम फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी कहते हैं, जहां पे हम टॉप टू बॉटम पिरामिड फॉर्म में पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हायर से लोअर स्ट्रेटम में पावर फ्लो करती है, ठीक है। और तीसरा टाइप का जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसमें हम सोशल ग्रुप्स को भी पावर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल है बेल्जियम। बेल्जियम में आपने देखा कि कम्युनिटी गवर्नमेंट जो थी उसको कैसे पावर दी गई, वो अपने रिलीजन से रिलेटेड या लैंग्वेज से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड वो अपने कुछ डिसीजंस ले सकती थी। जैसे इंडिया में हम रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाते हैं इलेक्शन के टाइम में, जहां पे शेड्यूल कास्ट का एक कॉन्स्टिट्यूएंसी हम रिजर्व कर देते हैं, जहां से सिर्फ शेड्यूल कास्ट ही लड़ सकते हैं इलेक्शन, और वहां से शेड्यूल कास्ट ही खड़े हो सकते हैं और जीत सकते हैं। तो इसका मतलब कि अगर कोई शेड्यूल कास्ट की रिप्रेजेंटेशन नहीं है इलेक्शन में, तो वो रिजर्व्ड एरिया से वो जीत सकता है और वो एक गवर्नमेंट में पोजीशन बना सकता है अपनी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट में किसी एक कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो वो अपने आप को एलियन नहीं समझेगा उस गवर्नमेंट में, वो कोई बाहरी नहीं समझेगा, वो अगर आ सकेगा तो वो अपने आप को धन्य समझेगा कि वो गवर्नमेंट में पार्ट ले पा रहा है, नहीं तो माइनॉरिटी को क्या होगा, वो अपने आप को फेयर नहीं महसूस कर पाएंगे, वो फेयर पावर शेयरिंग महसूस नहीं कर पाएंगे किसी भी कम्युनिटी में, ठीक है। और चौथा टाइप का जो पावर शेयरिंग है, वहां पे है कि हम जो पावर है पॉलिटिकल पार्टीज को दे देते हैं, ठीक है, जो हम शेयर कर रहे हैं यह पॉलिटिकल पार्टीज को दे दे रहे हैं, या हम प्रेशर ग्रुप्स को दे दे रहे हैं, ठीक है। प्रेशर ग्रुप्स पे मैं एक लेक्चर बनाऊंगा आपके लिए, ये काफी डिटेल में है तो इसको एक लेक्चर में कवर नहीं किया जा सकता है, या किसी मूवमेंट के थ्रू कोई पावर जनरेशन की बात हो रही है, तो ये तो यहां पे पार्टीज क्या होती है, जब मान लीजिए कोई सिंगल पार्टी मेजॉरिटी में नहीं आती है, दो पार्टियां आ जाती हैं, तो वहां पे कोलिजन हो जाता है, वो एक दूसरे से जोड़ के पार्टी बना लेती हैं, ठीक है, और वो गवर्नमेंट पे अपना एक सेपरेट गवर्नमेंट बना लेती हैं दोनों मिला के, और वो रूल करने लगती हैं किसी कंट्री में, ठीक है। जैसे कई बार इंडिया में कोलिजन गवर्नमेंट बनी है, कई दो पार्टीज मिलके उन्होंने रूल किया है, और इसीलिए इतने सारे मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं। कोलिजन गवर्नमेंट जब भी होती है तो आप देखिएगा मिनिस्टर्स ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो सारे पार्टीज के जो लोग हैं उनको वो रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं कि वो गुस्सा ना हो, ठीक है, कॉमन इंटरेस्ट पे ये कोलिजन हमेशा बनता है, ठीक है। और ये जो डेमोक्रेसी की आर्ट है, डेमोक्रेसी में आप देखेंगे हर तरह के लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं,
इंडस्ट्रियलिस्ट है, फार्मर्स है या वर्कर है, ये सब इसमें पार्ट ले रहे हैं, ठीक है, पार्ट लेते हैं और डिसीजन मेकिंग में भी इनका हेल्प रहता है। तो जो अगला हमारा चैप्टर है उसमें हम फेडरलिज्म पे बात करेंगे, जिसमें हम कुछ इस चैप्टर में बात कर चुके हैं। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, इफ यू लाइक अवर वर्क प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल पूरा एजुकेटर द वे टू द सक्सेस, शेयर द वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट बिलो। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो प्लीज हमसे जुड़िए और शेयर करिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों से, और कमेंट करना मत भूलिएगा अगर आप कोई ऐसे ही नई चीज चाहते हो तो।